कोरोना की सेकेंड वेव ने देश के साथ साथ अब बिहार में भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में कोरोना की सेकेंड वेव में संक्रमित केस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,143 तक पहुंच गई है, जिसमें सिर्फ पटना में 1,881 एक्टिव केस हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आज मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और अन्य अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान जिलों की तैयारी और स्थिति पर विचार विमर्श के बाद सीएम नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को राज्य में कोरोना 935 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक राजधानी पटना में 432 नए कोरोना संक्रमित मिले। पिछले 5 महीने में ये संक्रमितों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इसने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इससे पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। सीएम नीतीश पहले कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दे चुके हैं, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने फिर से सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों में फिर से डर का माहौल पैदा हो गया है। अब देखना होगा कि पहले से ही स्वास्थ्य मोर्चे पर जूझ रहे बिहार और उसकी सरकार कैसे सेकेंड वेव पर लगाम लगाती है और लोग उसका पालन करते हैं या नहीं।